महाराज मनु को सृष्टि विस्तार की जब बात की तो आपो सीक्ष्म महीम जगत संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न थी। उन्होंने कहा हम पृथ्वी का विस्तार कैसे करें, और तब भगवान ब्रह्मा जी महाराज की नासिका से बाराय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। और बाराय भगवान ने जो हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी को जलमग्न कर दिया गया था वो उसको लेने के लिए अंदर गए हैं। अद्भुत उन्होंने लीला की है। यदो कहा सर्वसत्वानां महीमग्ना महाम्भसी अस्या उद्धरणे देव्या देव देव्या विधीयताम अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम। भगवान ने घ्राणेन पृथ्व्याम पदवीं विजग्रहण क्रोड़ापदेशा स्वयं अद्वरांगा भगवान जल अतल राशि में उन्होंने एक छलांग लगाई और पृथ्वी को जब लेकर के निकले हैं तो मध्य में उनका हिरण्याक्ष है और हिरण्यकश्यप से उन्होंने कहा हिरण्याक्ष से एक भयानकतम युद्ध हुआ। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जब पृथ्वी भी सृजित नहीं ऊपर नहीं आई उसके पहले से है। और यहां पर एक प्रश्न पूछा गया कि अभी तो पृथ्वी ही स्थापित नहीं हुई तो ये राक्षस कहां से आ गए। और तब इनके संदर्भ में बड़ी सुंदर एक गाथा सुनाई है। कहते हैं कि जब एक समय पर सनकादि सिद्ध श्री ब्रह्मा जी महाराज से मिलने के लिए गए हैं नारायण से, और जब वो सनकादि सिद्ध उनसे मिलने के लिए जा रहे थे तो जय और विजय ने वेत्रेण चाष्कलयिता उन्होंने उनको बीच में रोक दिया। तान वीक्ष्य बाते रसना चतुरः कुमारान वृद्धान्दसार्ध वयसो विदितात्म तत्वान वेत्रेण चाष्कलयितो मत दर्हिणास्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूल शीलौ। भगवान वैकुंठाधिपति भगवान नारायण से जब उन्होंने उन्हें मिलने के लिए मना कर दिया वेत्रेण चाष्कलयितो मत दर्हिणास्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूल शीलौ, तब सनकादि सिद्धों ने कहा कि तुम हमारे नारायण के लोक में रहते हो, हमारे पिता के लोक में रहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि स्वामी लोग तो बड़े विनम्र होते हैं पर उनके सेवकों का स्वभाव स्वामी से मेल नहीं खाता, इसलिए तुम्हारा स्वभाव हमारे स्वामी से मेल नहीं खाता, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं संत का सम्मान क्या है, और इसलिए कुपित होकर के उनकी भ्रुकुटी तन गई। तद्भामे मुष्य परमस्य विकुंठ भरतु कर्तुं प्रभोस्तव कर्तुं प्रकृतिमि धीमहि मन्दधीव्याम लोकानि तो बृजत मंतर भाव दृष्ट्या पापी मे पापी यशस्त्रय मे तुम्हारा स्वभाव मेरे मालिक से मिल नहीं खाता इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं लोकान्य तो ब्रजत मंत्र भाव दृष्टिया तुम इस लोक में रहने के योग्य नहीं हो इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं जहाँ पर पापात्मा वृत्ति से परिपूर्ण मनुष्य रहते हैं उस लोक में जाकर के तुम जन्म ले लो, और उन्होंने उनको श्राप दिया। जो ही श्राप दिया दरवाजे पर भगवान नारायण आ गए। यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि ये जो विकार है ना अच्छे अच्छे अमलात्मा विमलात्मा योगी सत्पुरुषों को भी नहीं छोड़ते। जरा आप चिंतन कीजिए ये महात्मा सामान्य नहीं है। वृद्धान दशार्ध वैशो विदितात्म तुल्यान आत्मवेत्ता थे और पूर्वे साम भी पूर्वजा पूर्वजों के भी पूर्वज वृद्धान थे तो वृद्ध पर देखने में कैसे थे दशार्ध वैसो दस के आधा कितना हुआ पांच वर्ष देखत बालक सदैव पांच वर्ष के ही वो दिखलाई पड़ते। ऐसे ऋषि मुनि लोग जिनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं हैं जिन्होंने सारी सांसारिकता का प्रत्याग कर दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित तस्यारुबिन्दिनेनस्य पदारविन्दः तस्यारुबिन्दिनेन
पदारु दिल के मिश्र तुलसी मकरंद पायु दिल के मिश्र तुलसी मकरंद अंतर्गता सभी वीरे चकारते पदारविंद जन सनकादि शब्दों के नेत्र सदैव आनंद कानन विहारी गोविंद के पदारविंदों में ही लगातार लगे रहते हैं। संसार को जो देखते ही नहीं बाबर इसो अखियां जल जाएं जो सांवर छोड़ निहारत गुरु अंतरगता स्विवरेण चकार तेषां जो नित्य निरंतर ध्याना विधि से सदैव नंदनंदन श्याम सुंदर का अंतःकरण में दर्शन करते हैं उनमें ही रहते हैं वो और संक्षोभ अक्षर जो साम विचित्त तन्नो हो जिनके चित्त में सदैव वृंदावन विहारी जी विराजमान हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में क्रोध आ जाता है और उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दिया लोकान्य तो ब्रजत मंत्र भाव दृष्टिया पापी ऐसा त्रय इन्हें रिपोर्ट से श्राप की आवाज सुनाई पड़ी भगवान नारायण दरवाजे पर आ गए और ये विधि होती है कभी कभी अपने बच्चे को बचाना हो सामने से तो उसको डांट दे क्यों ना तुम्हें ऐसी गलती की। नारायण ने देखा कि जय और विजय को श्राप मिल गया है तो दरवाजे पर आकर के पहले उन्होंने जय विजय को फटकारा अरे तुमने इतने बड़े महात्माओं का अपमान किया तुमने ऐसा कहीं किया जाता है अरे मैं तो संतों का इतना सम्मान करता हूँ यस्यामृता मर्यसा श्रवणावगाह सद्यः पुनाति जगदा स्वचादि कुंठः सोहम भवद्भ उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छंद्याम सबाहुम अपिवा प्रतिकूल वृत्तिम मैं तो संतों का इतना सम्मान करता हूँ कि यदि मेरे इन हाथों से भी अगर इन संतों का अपमान हो जाए छिंद्याम स्वबाहुम अपि मे प्रतिकूल वृत्तम मैं अपनी भुजाओं को ही काट डालूं और तुमने ऐसे महात्माओं का अपमान किया अच्छा नहीं किया। उनको डांटने के बाद में और फिर संतों की ओर देखे बोले महाराज जी अब गलती तो हो ही गई आपके ही है अब आप इनके ऊपर क्षमा कर लो। शनकादि सिद्धों ने कहा अच्छी तरह से हमें समझ में आता हम भी इतने बेवकूफ नहीं हैं इनको डांट करके और अब हमें मना रहे हो कि हम इनको जो है क्षमा कर दें तो सुनो ये तो तीन घड़ी इन्होंने रोका है ना तो तीन घड़ी जाना ही पड़ेगा लेकिन तुम इनका पक्ष ले रहे हो और बड़ी चतुराई के साथ में इसलिए तुम्हें भी तीन बार इनके यहाँ जाना पड़ेगा इनका उद्धार करने के लिए तीन जन्म दो जो बचन प्रवाह। तो भगवान ने कहा कि फिर बाबा जी एक बात बताएं बोले हाँ तो बोले फिर ये भी जाएंगे हम भी जाएंगे तुम थोड़ी यहीं रह जाओगे तुमको भी आना पड़ेगा। बोले हमको क्यों आना पड़ेगा बोला शरीर एक रहेगा लेकिन आप चारों जिस बार जितने बार ये तीन बार आएंगे आप चारों को इनके परिवार में पैदा होना पड़ेगा क्योंकि आपने ही इनको राक्षस बनाया इसलिए हर बार वही जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आते हैं हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का मतलब क्या है हिरण्य यश अक्षाण सीदंती सा हिरण्याक्ष जिसकी नजर केवल धन और पैसे में ही लगी रहे हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा उसी का नाम हिरण्याक्ष है और हिरण्यकश्यप भी उसी का अर्थ है जो स्वर्ण की सैया पर सोने के ख्वाब देखता और जो सोने की सैया पर नोटों के बंडल में सोने का ख्वाब देखते हैं ऐसे लोगों के लिए रात्रि रात्रि में टीवी बोल देता है कि तुम्हारे नोटों के बंडल कागज बन गए और तब फिर सोचो उनके ऊपर क्या बीतती है। इसलिए ये पैसे का कोई पता नहीं कब आपका सोना मिट्टी में बदल जाए कोई पता नहीं इसलिए हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप माने जो सोने के सैया पर देखना तो उनके बीच में वह प्रहलाद के रूप में अवतरित होकर के आए शनकादि सिद्ध। त्रेता में वही रावण और कुंभकर्ण बने तो विभीषण के रूप में आए और यही द्वापर में सहदेव के रूप में
जरासंध के परिवार में अवतरित होकर के आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से आगे चलकर के वर्णन करते हैं कि बाद में भगवान ने उसका वध किया युद्ध करते हुए। तम मुष्टिभिर विनग्नंतम वर्ज सराई रधोक्षजा करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वाष्टम मृतपति। ये पुराण है और इसमें बहुत सुंदर इंद्र का वेद का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार से इंद्र ने वज्र के द्वारा तमाम पहाड़ों को पंख विहीन कर दिया था यथा त्वाष्टम मृतपति, उसी तरह से उन्होंने करेण वामेन शैल कर्ण के पास में कर्ण मूलेहन मारने के लिए जैसे नियुद्ध सिखाया जाता है ना, तो नियुद्ध में सिखाया जाता है कि शरीर में कोमल अंग कहां कहां पर है। ये आज से नियुद्ध शुरू नहीं हुआ, देखो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि तम मुष्टिभिर विनग्नंतम वज्र सराई रधुक्षा करेण कर्ण मूलेहन। कर्णमूल यहां पर और यहां पर कनपटी पर मारा जाता है ना, तो पूरा दिमाग गोल हो जाता है। और इस प्रकार से करेण मूलेहन यथा त्वाष्टम करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वाष्टम मृतपति सह आहतो विश्वजिता हवग गया। इस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। आगे